हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉपिक मैटर्सिस का। सब टॉपिक है मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड CBSE एज वेल एज HSC स्टेट बोर्ड में भी आपको ये मिलेगा। तो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ आज वो है स्टेट बोर्ड के एग्जांपल है, लेकिन मेथड आपका सेम है। जो CBSE में रहेगा वही HSC में भी वही है। तो सिर्फ एग्जाम्पल मैं HSC के एक्सरसाइज 2.3 एंड मिसलिनियस के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ओके, तो आज हम देखते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन पे बेस्ड एग्जाम्पल। मैं 3x3 ऑर्डर के भी एग्जाम्पल लूँगा और 2x2 के बेस्ड पे भी एग्जाम्पल लूँगा। यस, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 3x3 ऑर्डर के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मेथड ऑफ इन्वर्जन से इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4, 2x+y-3z इज इक्वल टू 0, x+y+z इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है तो हमें तीनों वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ अ इन्वर्जन। ठीक है, तो मेथड ऑफ अ इन्वर्जन में हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो तीन इक्वेशन दिए हुए हैं उसे हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के उससे हम मैट्रिसेस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है और z का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, और इनटू यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4, तो ये हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2x+y-3z इज इक्वल टू 0। एक्स का वेरिएबल क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोएफिशिएंट क्या है 1 और जेड का कोएफिशिएंट क्या है -3, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 0। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमारे इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हमने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मेथड ऑफ इन्वर्जन देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये ए हो जाएगा, ये हमारा क्या है एक्स से इंडिकेट करेंगे, और ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम बी से इंडिकेट कर देंगे। ओके, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब दिस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो अब जब बोथ साइड ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखिए ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ए इनवर्स, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए का मतलब होता है आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिख देंगे आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आई इंटू एक्स दिख रहा है, आई इंटू एक्स, आई मतलब यूनिट मैट्रिसेस, एक्स इज अ वेरिएबल मैट्रिसेस, तो यहाँ पर हम आई इंटू एक्स की जगह पे एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल्स टू एक्स ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमें इक्वेशन मिला हुआ है ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, एक्स मतलब जो वेरिएबल है हम लोग का एक्स वाई जेड,
यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देखिए हमारे पास b तो पता है, b इज दिस 402, लेकिन ये a इनवर्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अभी a इनवर्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब आप इन्वर्जन मेथड यूज कर रहे हो, आपको वहां पे a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो आप a इनवर्स एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं टू फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। अभी एडजॉइंट मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हुए हैं, तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। तो ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड से, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो यस अभी ये पूरा स्टेप हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। जब ये इनवर्स मिल गया तो आप ये इक्वेशन में पुट कर देंगे ए इनवर्स और बी का वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें हम लोग को अच्छे वेटेज है, इसका हम लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, जिसे हमने मैट्रिसेस ए कंसिडर किया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ए है, दिस इज मैट्रिसेस ए, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करते हैं, मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए वन डिटरमिनेंट्स ऑफ वन वन माइनस थ्री वन, डिटरमिनेंट्स हमने पहले भी किया हुआ है, माइनस का साइन आता है, फिर यहाँ पर माइनस वन है, टू वन माइनस थ्री वन, और प्लस यहाँ पर वन है, टू वन वन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिसेस है ए, दिस ये रो और ये कॉलम के मैट्रिक्स को नहीं, एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, बच गया ये, लिख लिया, माइनस का साइन आता है, फिर यहाँ पे माइनस वन है इसलिए हम माइनस वन लिख रहे हैं, फिर ये कॉलम ये रो के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, टू वन माइनस थ्री वन लिख लेंगे, फिर प्लस वन ये रो और ये कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, टू वन वन वन, यहाँ पर हमने वही किया हुआ है, देखिए, ठीक है। आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने भी आता है इसको, ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं। तो अभी देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वन 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 जा वन माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू वन, तो ये वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा, टू प्लस थ्री हो जाएगा, और ये प्लस वन टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, फोर प्लस फाइव प्लस वन नाइन इज इक्वल्स टू टेन। तो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिल गया है, देयरफॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, टेन मिल गया, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें को फैक्टर फाइंड आउट करना है, को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसका मैट्रिसेस बनाए डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, सॉरी मैट्रिसेस बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, को फैक्टर्स, देखिए को फैक्टर्स के लिए भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हुए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करिए फिर ही ये टॉपिक को लीजिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड से, ठीक है, वही पूरा स्टेप हमें यहाँ पे सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर हम सारे एलिमेंट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ए वन वन के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन वन प्लस वन, यहाँ पे वन प्लस वन लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचता है वो हम लिख लेंगे वन वन माइनस थ्री वन, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वन हो जाता है, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें वन प्लस थ्री फोर इज इक्वल टू फोर मिल गया, ए वन टू, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें, जो मैट्रिसेस ए दिया हुआ है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे माइनस वन वन प्लस टू, वन प्लस टू लिख दिया यहाँ पे, वन प्लस टू, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचे हुए हैं एलिमेंट उसको लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के, टू वन माइनस थ्री वन,
ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, माइनस वन रेस टू थ्री, मतलब ये माइनस वन होता है, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस फाइव आ जाएगा, इसके बाद हमें वन थ्री, वन थ्री का फाइंड, वन थ्री के लिए फाइंड आउट करना है, माइनस वन रेस टू वन प्लस थ्री। ओके, इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ना है और जो बचा है उसको लिख लेना है, टू वन वन वन। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, माइनस वन रेस टू फोर का मतलब होता है वन, टू माइनस वन वन, तो ये हमें मिल जाएगा वन। ठीक है, जैसे हमने ए वन वन, ए वन टू वन, ए वन थ्री फाइंड आउट किया, सेम हम वैसे ही बाकी के को फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो मैं एक बार फिर से मेरा जो मैट्रिसेस है वो लिख लेता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर वन माइनस वन वन, टू वन माइनस थ्री वन वन वन। ठीक है, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए 21, मतलब ये प्लेस के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले माइनस वन लिख देंगे, यहाँ पे टू प्लस वन है लिख देंगे, इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के माइनस वन 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 एंड वन लिख देंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, मतलब माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू टू। ए 22, ए 22 मतलब माइनस वन रेस टू टू प्लस टू कर देंगे, इसका मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख लेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स लिख लेंगे, माइनस वन रेस टू फोर मतलब वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये हमें जीरो मिल जाएगा। ए 23, ए 23 फाइंड आउट करेंगे, मतलब माइनस वन रेस टू टू प्लस थ्री कर देंगे, इसका मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और जो बचा हुआ एलिमेंट्स हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसका मतलब माइनस वन रेस टू फाइव का, माइनस वन रेस टू फाइव मतलब माइनस वन वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, माइनस टू आंसर मिलेगा हमें। ए 22, 23 मिल गया, अभी हम ए 31 मतलब इसका को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 31 का मतलब है माइनस वन रेस टू थ्री प्लस वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, बचे हुए कॉलम एलिमेंट्स को लिख लेंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस वन रेस टू फोर वन होता है, माइनस थ्री इंटू वन थ्री, माइनस वन टू इंटू वन टू। ठीक है, नेक्स्ट ए 32, ए 32 माइनस वन रेस टू थ्री प्लस टू, इसका मतलब है थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब वन 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 वन, तो यहाँ पर माइनस वन रेस टू टू फाइव, माइनस वन और वन माइनस वन जीरो। नेक्स्ट ए 33 मतलब माइनस वन रेस टू थ्री प्लस थ्री, इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए और जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लीजिए, तो हमें मिल जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम वन वन। ठीक है, देखिए ये माइनस टू नहीं है, टू है, ये हम मिस्टेक कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पे ये टू है। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वन रेस टू सिक्स का मतलब होता है वन वन प्लस टू थ्री इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, तो अभी हमने सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया, अभी जो को फैक्टर्स मिले हुए हैं उनके हेल्प से हम नया मैट्रिसेस बना देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, तो जो पहले हम ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री का जो वैल्यू मिला हुआ है, जो एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू वन टू 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 थ्री, टू जीरो माइनस टू, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, टू जीरो एंड थ्री। ठीक है, तो ये पहले हमने क्या किए, सारे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए हमने ये ए 32 को थोड़ा रॉन्ग कर दिया हुआ है, हमारा जो एलिमेंट्स है यहाँ पर थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के, यहाँ पर थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के मतलब वन टू वन माइनस थ्री यूज़ करना है। ठीक है, तो जो हम लोग ने यहाँ पर रॉन्ग लिख लिया हुआ है, तो प्लीज़ ये ध्यान से करिए, नहीं तो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू, ये माइनस फाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस फाइव इंटू माइनस वन
तो ये आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये मिस्टेक होने वाला था, तो इसको हमने रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या बना लिया है, नया मैट्रिसेस P बना लिया। अब इसका हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा, मतलब P जो मिला हुआ है हमने मैट्रिसेस बनाया हुआ है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को हम कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, 4 - 5 1। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट मिल गया, हमने ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यू है ये हमारा इक्वेशन नंबर जो भी था उसमें हम पुट कर देंगे। तो जो फॉर्मूला है ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स क्या मिला हमें 10, और एडजॉइंट क्या मिला है 4 - 5 1 2 0 2 2 5 3। ओके, तो अभी हमें ए इनवर्स मिल गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका जो इसके पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया हुआ है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, बी हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 4 0 2 दिया हुआ, ये हमारा बी हो गया, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है, ये इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, तो देखिए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमें मिला 1/10 इंटू फोर टू टू माइनस 5 0 5 1 2 3, ये इंटू क्या है, बी का वैल्यू हमारे पास, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल्स टू 4 0 2। ठीक है, तो अभी देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस प्रीवियस क्लास में हम लोग ने किया हुआ है, तो प्लीज देखते हैं यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो प्लीज़ अभी देखिए 1/10 को हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिसेस को। ठीक है, तो अभी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को सेकेंड फिर से कॉलम के साथ, यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो तीनों रो को एक एक बार कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे हम सेकेंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -20 0 + 10, 4 + 0 + 6। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है 1/10, तो आपको ये 20 - 10 और ये 10 मिल गया है। ठीक है, तो अभी ये 1/10 ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, जो बाहर जो टर्म है उसको हम लोग मैट्रिसेस में लेके जाएगा, तो हर एक का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/10 × 20 1/10 × -10 1/10 × 10। ठीक है, तो हमें x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 - 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें x क्या मिल गया, 2 - 1 और 1। x का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये 2 - 1 1। ओके, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है 3 × 3 ऑर्डर के लिए। ओके, तो अगला हम एग्जांपल लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर के लिए। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर 2 × 2 के लिए। ओके, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा 3 × 3 ऑर्डर के लिए, अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं 2 × 2 ऑर्डर के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखेंगे और तो इसमें दो वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पर हमें सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
जब हमारे पास तीन वेरिएबल रहेंगे तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब तीन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का जो वेरिएबल है कोएफिशिएंट है 1 है, वाई का कोएफिशिएंट ये 2 है। ओके, यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अभी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, वाई का कोएफिशिएंट +3 है और इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये हमारा ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो अभी देखिए हमें पता है ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई होता है, तो यहाँ पर हम आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स होता है, ये हमारा आई एक्स इज का मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हमें एक्स मतलब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बी दिया हुआ है, दिस इज अ बी, ए इनवर्स हमें पता नहीं, हमें ए पता है लेकिन ए इनवर्स क्या है वो पता नहीं है, बी हमें पता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए दिया हुआ है उससे हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड। ठीक है, जब भी आपको इनवर्जन मेथड दिया हुआ है तो आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो बाय एडजॉइन मेथड से करना। ओके, इनवर्जन मेथड में तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो अभी ए इनवर्स क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ए तो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 2 3। ओके, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखिए फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ अ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ अ ए, तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो ये मैट्रिसेस गिवन मैट्रिसेस 2 × 2 का हो या फिर 3 × 3 का हो, तो ये हम दोनों के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है, फिर बाद में उसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो मैट्रिसेस है, इसका हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिल गया गिवन मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। ओके, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने फर्स्ट ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले को फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, को फैक्टर्स a11। ठीक है, इसका को फैक्टर तो अभी -1 रेज टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ या डिटरमिनेंट्स ऑफ अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया तो यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू देखिए 1 रेज टू 1 रेज टू 2 मतलब 1 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। a12 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 1 प्लस 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के क्या बच गया, 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, -1 रेज टू 3 -1 इंटू 2 मतलब -2। ओके, नेक्स्ट a21 मतलब -1 रेज टू 2 प्लस 1 कर देंगे, इसका मतलब क्या करना है हमें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दिया, क्या बच गया, 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए -रेज टू 3 -1 होता है -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, a22 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 2 प्लस 2 4 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के बचा हुआ एलिमेंट्स हम लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अभी सारे को फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अभी हम इससे नया मैट्रिसेस बना देंगे, उसका नाम P से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो a11 3 a12 -2 a21 -2 और a22 1।
ठीक है, अभी हमें इसका एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो पी मिला हुआ है उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में कर दिया और ये रो को कॉलम में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है, अभी एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिल गया है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमने ऊपर फाइंड आउट किया था -1, ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया था। अभी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए इनवर्स के, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, देयर फोर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन -1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 माइनस टू माइनस टू 1। अभी ये -1 अंदर जाएगा तो हमें माइनस, ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स ऑफ ए हो गया। ठीक है, तो अभी हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ये इक्वेशन में ए इनवर्स और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, बी मतलब दिस टर्म, ए इनवर्स हमने अभी फाइंड आउट किया है, दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे और हमें एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट बी एंड ए इनवर्स इन इक्वेशन 2, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी है, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -3 टू 2 -1, और बी हमें क्या है हमारे पास 2 एंड 3। ठीक है, तो अभी देखिए अभी ये हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस है, तो अभी दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 × 2 -6 +2 × 3 6। अभी हम सेकेंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 × 2 = 4, माइनस हो जाएगा ये 3 × -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू मिल गया है 0 upon 0 and 1, तो ये हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 0 and 1, इसका मतलब हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या मिल गया 0 and 1, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू 0 and y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 2 × 2 ऑर्डर का लिया हुआ है और 3 × 3 ऑर्डर का लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया अच्छे से समझाने के लिए, अगर प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, और आप भी इसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी इश्यू है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट पूछ सकते हैं या फिर मेरे वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।